अविनाश साबले महाराष्ट्र से हैं, एथलेटिक्स के हैं। अविनाश नमस्कार। जैन सर, मैं अविनाश साबले, मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स में 3000 मीटर इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर। अविनाश, मुझे बताया गया कि आप फौज में हैं और आपने तो सियाचिन में भी पोस्टिंग कर चुके हैं। महाराष्ट्र से आना और हिमालय में ड्यूटी देना, पहले तो मुझे इस विषय में बताइए अपने अनुभव। जी सर, मैं महाराष्ट्र का बीड जिले से हूँ और मैं 2012 में मतलब भारतीय को ज्वाइन किया और उसके बाद सर मैं मतलब आर्मी की जो ड्यूटी होती है नॉर्मल ड्यूटी में 4 साल मतलब मैं नॉर्मल ड्यूटी किया और मतलब उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जो 4 साल का मैं मतलब जो नॉर्मल ड्यूटी करते रहा तो जो 9 महीने की जो मतलब बहुत मजबूत ट्रेनिंग होती है, बहुत हार्ड होती है, तो उस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत मजबूत बना दिया और मतलब उस ट्रेनिंग से मैं किसी भी फील्ड में अभी जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा करूंगा। और उसी ट्रेनिंग से मतलब 4 साल के बाद जब मैं आर्मी ने मुझे मतलब एथलेटिक्स में जाने का मौका मिला तो मैं बहुत अच्छा कर रहा और मैं जो आर्मी की डिसिप्लिन है और जहां मैं इतना कठिन मतलब जगह पे रहा तो मुझे काफी फायदा हो रहा है। अच्छा अविनाश, मैंने सुना है कि सेना ज्वाइन करने के बाद ही आपने इस स्टीपल चेज को चुना है, सियाचिन और स्टीपल चेज का भी कोई संबंध है क्या? हाँ जी सर, मतलब जो हमें ट्रेनिंग्स में जो मतलब वहां पे भी ऐसी ट्रेनिंग होती जैसे आपको मतलब ये स्टीपल चेज इवेंट भी एक ऑब्स्टिकल का गेम है, मतलब जैसे इसमें हमें हर्डल्स को उसके ऊपर जंप करना है, फिर वाटर जंप को जंप करना है। इसी तरह है आर्मी की जो ट्रेनिंग उसमें भी हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल के बीच में से जाना पड़ता है, जैसे क्रॉलिंग करना पड़ता है या 9 फीट डिच होता है उसको जंप करना पड़ता है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं जो ट्रेनिंग में। और यहाँ तो मुझे मतलब बहुत आसान लग रहा है, मैंने आर्मी के बाद मुझे स्टीपल चेज इवेंट में मतलब बहुत ज्यादा आसान लग रहा है। अच्छा अविनाश, ये मुझे बताइए कि आप पहले बहुत वजन ज्यादा था और आपने बहुत कम समय में अपना वेट लूज किया और आज भी मैं देख रहा हूँ बहुत दुबले पतले दिख रहे हो। मैंने देखा था कि हमारे एक साथी नीरज चोपड़ा जी ने भी बहुत कम समय में अपना वेट कम किया था और मैं समझता हूँ कि आप अपना अनुभव अगर कुछ बताएं कि आपने कैसे किया है ताकि शायद खेलकूद की जगत के और लोगों को भी काम आए। सर मैं आर्मी में मतलब एक सोल्जर की तरह जब ड्यूटी कर तो मतलब मेरा वेट काफी ज्यादा था तो मैं जब सोचा कि मैं स्पोर्ट्स में जाना चाहिए और मेरे साथ मतलब मेरी यूनिट ने भी और आर्मी ने मुझे मतलब बहुत मोटिवेट किया कि स्पोर्ट्स में जाना, तो मैंने सोचा कि अभी रनिंग करने के लिए तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, तो मेरा कम से कम 74 kg वेट था तो मैं अभी ये कैसे होगा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ट्रेनिंग के लिए एक अलग से एक्स्ट्रा टाइम मिलता था मुझे आर्मी में, तो मैं ये वेट कम करने के लिए मुझे 3-4 महीने का टाइम लगा। और कितना वेट लॉस किया जब मैं सर मैं अभी 53 kg मतलब वेट रहता है सर मेरा 53 kg और मेरा तब 74 मतलब 20 kg कम किया। अच्छा अविनाश, मुझे खेल की सबसे अच्छी बात और ये जरूर मेरे मन को छूती है कि इसमें पीछे की हार जीत का ज्यादा बैगेज नहीं होता है, हर बार कंपटीशन नया होता है, फ्रेश होता है और आपने बताया कि आप पूरी तरह तैयार हैं
सभी देशवासियों की शुभकामनाएं आपके साथ है, आप जमकर खेल गएगा।